हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज मैथ में मैं आपको करवा तो लिखा तो हुआ है बच्चे स्टेटमेंट सम्स, पर बच्चे बहुत ही मैं आपको इजी बिल्कुल सिंपल ही करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 10 मई 2021। ओके, देखो बच्चे जैसे लिखा हुआ है देयर आर 25 गर्ल्स एंड 32 बॉयज़ इन ए क्लास, यानी कि क्लास में 25 गर्ल्स हैं और 32 बॉयज़ हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, कहते हैं कि टोटल जो हमारे ऑल बताया था ना कितने होते हैं, सभी स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उन्होंने हमें सोल्व कर दिया 25 गर्ल्स हैं और 32 बॉयज़ हैं, 57 स्टूडेंट्स उन्होंने दे दिया। बच्चे और भी ज़्यादा मैं आपको सिंपल करवा रही हूँ, सिर्फ आपको ऐड करनी होगी, मैं आपको स्टेटमेंट लगा के दूंगी और आपको सिर्फ उसमें प्लस करना होगा। ओके, इन एन ऑर्चर्ड दैट देयर आर 82 मैंगोज ट्री एंड 40 एप्पल्स ट्री, तो मैंने भी सिर्फ ओनली क्या लिखा है यहाँ पर 82, क्योंकि हमारे पास बच्चे स्पेस तो है नहीं, यहाँ पर टेंस और वंस लिख दिया तो यहाँ पर उन्होंने स्पेस नहीं दिया, तो बिल्कुल आप सिंपली लिखोगे 82 और डिजिट लिखोगे 40, तो आपने सिर्फ इसको प्लस कर देना है, यही बुक में ही आपने प्लस कर देना है। नेक्स्ट भी बच्चे आपको मैंने ऐसे ही लिखवा दिया है 140 और 152 को आपने प्लस कर देना है। ओके, एक सम बच्चे और है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बच्चा ये देखो, इन ए शॉप देयर आर 65 रेड काइट्स, एक शॉप है जिसमें 65 रेड काइट्स हैं। अब बच्चे ध्यान से देखो, उन्होंने यहाँ पर हमें दिया है 100 टेंस और वंस, 3 डिजिट होने चाहिए ना, पर बच्चे उन्होंने तो यहाँ पर 65 यानी कि वंस और टेंस दिया है हमारे को, वंस और टेंस 65 हो गए ना, बट हमने 100 का क्या है, आप मिस्टेक ना कर जाओ, इसलिए आप यहाँ पर 0 भी लगा सकते हो। आप देखो 3 डिजिट बन गई ना, यानी कि हमारी जो डिजिट है वो 65 ही रहेगी, तो हमने यहाँ 0 आपको आगे करवा दिया, लगवा दिया। फिर देखो एंड 230, अब आ गया ना 230 आ गया ना, तो हमने यहाँ 0 यूज़ कर ली। नेक्स्ट भी बच्चे ऐसे ही है, इन ए किचन देयर आर 90, फिर आ गया ना 90 वंस टेंस, ये देखो वंस टेंस बच्चे, बट लेकिन यहाँ पर उन्होंने 100 दिया है तो हम यहाँ भी 0 लगाएंगे। आपको मालूम है ना, जब भी हम डिजिट स्टार्ट करते हैं तो हम राइट से लेफ्ट को जाते हैं, तो हमने राइट से लेफ्ट को गए हैं ना, तो हमने 0 100 में लगाया है। बच्चे ये जो मैंने आपको करवाया है इसको आपने प्लस करना है, ठीक है, मैंने डिजिट आपको लिख कर दे दी है बुक के अंदर, तो बच्चे आपको खुद आपको प्लस के सम करने हैं। नेक्स्ट भी बच्चे हमारा ऐसा ही है, जो आपको करना है वो मैं आपको टिक मार किए जा रही हूँ। बच्चा ये आपको होमवर्क मिल रहा है आपको प्लस के सम, ओके, प्लस के सम है बच्चे, ये आपको करने हैं बुक में। नेक्स्ट बच्चे लिखा हुआ है ऐड, अब देखो ध्यान से बच्चे, इसमें भी ऐसे ही है बच्चे, सबसे पहले उन्होंने लिखा है 530, ये देखो 530, नेक्स्ट डिजिट है हमारी 160, अब देखो लास्ट में फिर उन्होंने 40 दे दिया, ओनली 40 दिया ना, यहाँ पर तो पहले उन्होंने 100 वाली हमारे को डिजिट दी, लास्ट में हमारे को ओनली 40 दे दिया, यानी कि वंस टेंस, ये देखो वंस टेंस, हम राइट से लेफ्ट को जाते हैं ना, ये देखो 40 हमने कैसे लिखा, अब हमारी फिर हमारी 100 में कुछ नहीं है ना, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, तो हमारा प्लस बड़ा ईजी हो जाएगा। अगर मैं आपको नहीं करवाती ना, आप पता क्या करते, 4 यहाँ लिखते, 0 यहाँ लिख देते,
पर अगर हम बाद में ज़ीरो लगाते तो बच्चे वो तो 4400 हो गया, पर हमने डिजिट तो 40 रखनी है ना, तो हम 40 आपको मालूम है हम मैथ में हमेशा राइट से लेफ्ट को जाते हैं, राइट से लेफ्ट को आते हैं, तो हम पहले 0 4 40, तो हम आगे को ज़ीरो लगा देंगे ताकि हमारा 40 डिजिट ही रहे। नेक्स्ट बच्चे ये देखो लिखा हुआ है 420 420, 260 110। ये देखो मैंने आपको लिख दिया है और आपको सिर्फ प्लस करना है, ओके। नेक्स्ट है बच्चे, उन्होंने हमारे को फाइंड द मिसिंग नंबर्स, वो कहते हैं उन्होंने प्लस तो कर दिया बट हमें बताया है कि कितना हम उसमें ऐड करें कि हमारे ये आंसर 25 आए। अब उन्होंने लिखा है 4 में हम कितना प्लस करें कि 5 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 4 4, ये देखो 4 + 1 हो गया ना 5, 4 + 1 5। 1 में कितना प्लस करें कि 2 आ जाए, ये तो बहुत इजी है, 1 + 1, तो 1 + 1, ये देखो आंसर आ गया ना, 1 + 4 5, 1 + 1 2। नेक्स्ट भी बच्चे ऐसे ही है, 7 में कितना प्लस करें, अब ये देखो 0 0 का तो हो गया ना, 0 में क्या है बच्चे, हमारा जो है हमारा कैरी वाला आ गया, तो हम इसमें करेंगे 3। 7 + 3 10, 10 की 0 कैरी हो जाएगी हमारी 1, 1 + 1 और 1 हमारी हो गई कैरी, हो गई ना 30। नेक्स्ट हमारा है बच्चे 23, और उसमें कितना प्लस करें कि हमारा आंसर आए 45, 3 + 2 हो गया 5, 3 + 2 हो गया 5 और 2 + 2 4 हो गया, ये देखो आ गया ना हमारा आंसर 3 + 2 5, 2 + 2 4। नेक्स्ट है बच्चे 2 में कितना प्लस करें कि हमारा 6 आए, तो हमारा आ गया 4 और 6 में कितना प्लस करें कि हमारा 8 आए, तो हमारा आ गया 2, ये देखो हो गया। नेक्स्ट अब ध्यान से सुनो बच्चे, ये देखो उन्होंने कहा चूज टू नंबर्स फ्रॉम द बॉक्सेस बॉक्स हुज सम इज, ये देखो वो कहते हैं बॉक्सेस में हमने कुछ नंबर दिए हैं, बॉक्सेस में ये नंबर दिए हैं और वो कह रहे हैं यहाँ पर आपको चूज करके लिखना होगा। सबसे पहले बच्चे हमारे पास है 40, क्या है 40, 40 को हमने किस प्रकार प्लस करना है, इसमें से बॉक्सेस में से डिजिट को चूज करना है। ये देखो सबसे पहले हमारा आ गया 25, 25 प्लस 50 15, 25 + 15 हमारा आंसर हो गया 40। नेक्स्ट हमारा 300 को प्लस कैसे करेंगे बच्चे, 163 प्लस 137, ओके। लास्ट में बच्चे लास्ट में सिर्फ हमने यस और नो में बताना है, गौरी गेट्स रुपीज 140 फ्रॉम हर मदर, गौरी ने अपनी मम्मा से 140 रुपीज़ लिए एंड रुपीज़ 125 फ्रॉम हर फादर, और 125 उसने अपने पापा से लिए। कैन शी बाय ए टॉय फॉर रुपीज़ 280, कहते हैं कि क्या वो खिलौना खरीद सकती है, खिलौना कितने का है, टॉय कितने का है, 280, और ये हमारे पास 140 प्लस करें तो 125 बनता है, तो हमारा आंसर बच्चे आएगा, इस दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर हमारा आता है 265 और जबकि हमारा टॉय जो है वो शॉपकीपर के पास है 280, तो वो कहते क्या वो खिलौना खरीद पाएगी, तो हम लिखेंगे नो, ओके। ये बच्चे जिस जिस पे मैं आपको टिक मार करके ये देखो
राइट का निशान लगा रही हूँ, इसको आपने सोल्व करना है, आपको खुद ही प्लस करना है। ये देखिए ये वाले, और ये जो बुक में दिए हैं मैंने आपको, जो आपको सम नहीं आते थे बच्चे, वो मैंने आपको बुक में करवा दिए हैं और आपने फिल करना है। डेट बच्चे मेंशन जरूर किया करो आप, ओके।